<laughs> Today, on the GK meets GT podcast, it is the a man show. I mean, ऐसा नहीं है दैट इफ योर लेडीज ऑफ जी टी क्योंकि सुपर हीरो कौन होता है जो सामने जाते हैं पहले खड़े होते हैं गोलियां खाते हैं <laughs> बाकी सबको बचाते हैं और पीछे से रोकना भी पड़ता है एग्जैक्टली exactly. <laughs> है ना उड़के रोकते <laughs> हैं उड़ के रोकना पड़ता है और कभी उड़ के कभी उड़ा के कभी दूसरे को उड़ा के रोकना पड़ता है दिस ये जो जोड़ी है

ओ oh, हाँ उसके बाद हाँ इंडियन बोला yeah. जाए तो हाँ मैं the only Indian S R H के खिलाफ ही मार रहा था हम लोग ने हार गया था मैच या देखो क्या है कि रिकॉर्ड का ऐसा होता है कि उसको ना ऐसे बना बना के करो कि <laughs> नहीं ना, <laughs> ना you got you remove the foreigner then the only Indian uh -huh. so it is a record रिकॉर्ड तो यहाँ भी होने वाला है हाँ hundred percent या at the I have to tell people that at the time of recording this you are seven runs behind in the purple orange क्या आप orange oh, pop, yeah. Yeah, पर्पल कैप यू आर ट्वेंटी फाइव जस्ट ट्वेंटी फाइव हो जाएगा दो मैच है दो मैच में नहीं होगा दो मैच में नहीं होगा मगर को तीन चार बार मगर ऑरेंज कैप तो हंड्रेड परसेंट हो जाएगा टच ऑन वुड डज इट मीन डू डू रिकॉर्ड्स एक्चुअली लेट मी आस्क बोथ ऑफ यू दिस क्वेश्चन डू रिकॉर्ड्स मीन एनीथिंग और इज जस्ट द विन एंड द ट्रॉफी दैट 10 इयर्स डाउन द लाइन इट वोंट मैटर एज मच इफ यू विन द ट्रॉफी इट वुड बी समथिंग इमॉर्टल या something something that you know i would remember even if i'm 70 80 years old yeah but personal records are such key one point ke baad, nobody cares yeah and that's a fact mm. so momentarily yes they give you happiness yeah they give you a sense of not happiness but satisfaction that mm. you are on the right path or you've been doing right things yeah but in the in totality i don't think personal records matter as much And for you? Uh, say, मेरे लिए भी वैसे ही बचपन से जैसे मैंने स्टार्ट किया कोई इंडिया भी खेलना है दिमाग में नहीं था अंडर थर्टीन सिक्सटीन नाइनटीन वैसे ही खेला नाइनटीन के बाद से जब चालू किया था ट्वेंटी टू में तब आके रियलाइज किया हाँ अभी स्टेप बाई स्टेप में भी पॉसिबल है ट्वेंटी hmm. टू में खेला मतलब मेरे मेरा वैसा है कि टीम के लिए पहले उसमें अगर कंट्रीब्यूट बीस रन का भी हुआ

नेट में तो पहले गैरी सन कोच था हम लोगों का पहले बता दिया तीन दिन पहले कि सहा तो खेलने नहीं वाला है तो नेट बॉलर लेके कीपिंग कर बैटिंग कर कुछ ना कर तब भी चलेगा मगर मतलब तो खेलने नहीं वाला है <laughs> तो ऐसे ही में ने, नेट में बैटिंग बॉलिंग बॉलिंग तो नहीं बैटिंग कीपिंग कर रहा था और मतलब नेट बॉलर जो, जो पंद्रह के बाहर है या जो आ, मतलब ग्यारह के बाहर है जो उनको भी खेला नहीं मैच में जाकर डायरेक्ट डेल स्टन तो पहला इनिंग में तीन बॉल

एक होम सीरीज थी इंग्लैंड के गेंटार मैच की ओपनर रोहित शर्मा मी वन डाउन पुजारा विराट कोहलीउंड तो ऑन से <laughs> <जे>। कौन बचा <laughs> कोई रिटेशन में भी नहीं था <laughs> वो हाईलाइट सिखा रहे थे ना मुझे लगता है मैं लाइफ में इतना कभी इतना इतना ऊंचा जम्प कर रहा था जब बस और मैंने भी उससे पहले कभी लाइफ में शॉर्ट लेग नहीं की ओ, oh, कभी नहीं कभी नहीं कि ना रणजी ट्रॉफी तो में डोमेस्टिक तो में तो शायद करना नहीं होता है हाँ। तो फिर क्या इवेसिव एक्शन इज क्या बस मुड़ जाओ एक्चुअली होता है कि ऐसे नीचे नीचे हो जाओ तो उस उसमें क्या होगा हेलमेट पे लगेगी मतलब जो इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स है उधर नहीं लगेगी yeah. पर ऐसे कौन होता है ऐसे तो होता है <laughs> ऐसे <laughs> होता है

फिर उसके बाद फिर गुरकीरतमान वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन मी बिकॉज डिफरेंस हार्दिक को जानता हूँ yeah. और मुझे पता है कि गुरकीरतमान और यू ऐसी मतलब हवा में नहीं बोलेंगे बातें अगर hmm. वो बोल रहे हैं तो उस बात right. में दम है yeah. तो वो ये सब सारी चीजें मुझे मेन मेरा सबसे बड़ा रीजन था कि मुझे एज अ प्लेयर एज ए इंडिविजुअल

क्रिकेट खेलेंगे तब तक, तक वो चलता ही रहेगा क्योंकि वो इट्स अ डिबेट और डिबेट एक सीजन अच्छा चला गया दो सीजन अच्छा चला गया जब भी कुछ ऊपर नीचे होगा तो लोगों ने तो बोलना ही है मैं तो वैसे लेके मानता हूँ उन्होंने तो गुड yeah. कि उन्होंने तो दो मैच अच्छे नहीं गए तो फिर लोग तो बोलेंगे करेक्ट और ऐसा नहीं है कि अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बीच में फर्क पड़ता था बहुत फर्क पड़ता था एक्चुअली टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी आई रिमेंबर वो जब फर्स्ट ईयर था लॉकडाउन में जो हम आईपीएल uh, yeah. खेले हैं दैट्स वेयर आई एक्चुअली उससे पहले ट्रोलिंग बोलेंगे या क्रिटिसिज्म मतलब मुझे पता ही नहीं था होता क्या ऑनेस्टली yeah. वो फर्स्ट चार फर्स्ट चार मान लीजिए कि बीच में एक्चुअली uh, मेरा सीजन बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था वो वाला भी पहले पांच मैच में से दो मैच मैन ऑफ द मैच था मैं hmm. उसके बाद में ना हां केकेआर में 2020 में उसके uh, बीच में चार पांच मैच ऐसे आए जिसमें मेरा शाहीगढ़ एक के आसपास था hmm. और शारजा में कुछ मैच खेल रहे थे और हम अच्छा भी नहीं कर रहे थे टीम और वहां पे असली पता लगा कि ऑनलाइन और तब मैं क्या देखता था yeah. कमेंट और वो सब अब जाते हो तो तब एक्चुअली में इफेक्ट किया मुझे फॉर अ गुड मंथ और बीच बीच में ऐसा भी हो रहा था कि जब मैं मैच में बैटिंग करते जा रहा हूँ तो आई एम ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट टू अम इन ऑफ जस्ट प्लेइंग तो बट उसके बाद यू आई लकी कि मैं बहुत जल्दी उस चीज से ऊपर उठ गया एंड देन ऑस्ट्रेलिया टूर लकी ऑस्ट्रेलिया टूर हम से सीधा ऑस्ट्रेलिया गए थे ऑस्ट्रेलिया टूर अच्छा चला गया उसके बाद फिर मुझे yeah. इतना यार एक आ, मेरे को सिद्धू पाजी ने एक बात सिखाई थी क्योंकि हम सबको करता है वी आर ऑल ह्यूमन कोई राह चलता कोई बोल दे अगर कुछ एक बात तो वो रह जाती है लोग दस अच्छी बातें बोले वो पिघल जाती हैं और किसी ने एक कुछ बोल दिया ना क्या समझता सिंपल सी बात क्या समझता अपने आप को मैंने यार वो <laughs> तो टिक जाती है बात शरीफा बड़ी अच्छी बातें कहते कहते थे कि हाथी चले बाजारों में डॉगी भोंके हजारों में <laughs> मैंने क्या लाइन है हाथ छोटे हाथी अपनी चाल नहीं बदलता हाथी चलता रहता है रहते हैं सही बात है ऐसा भी होता है

Round, था, yeah. से आया था, तो मैं देखा भी नहीं मैं तो प्रैक्टिस करने गया था या मैच करने गया था लौटने के टाइम में फोन आया एक फोन किया कि गया है जी टी में हुआ है इतना प्राइस में हुआ है ठीक है मिल तो गया एंडेड uh -huh. uh, uh -huh. उससे पहले नहीं हुआ था होने के बाद जब मैं इधर आया था तब आशुबा ने पहले प्रैक्टिस सेशन में बोल दिया था कि उस टाइम मैथुएड ऑस्ट्रेलिया के साथ वो सेवेंटी या एट्टी बनाया था मैच जिताया था तो अच्छा फॉर्म में था तो बोला था इनिशियली मैच वो खेलेगा मैं बोला कोई बात नहीं अगर उसके बाद कम्बिनेशन का कुछ चक्कर आएगा तो देखेंगे तो वैसे ही सोचा मेरा अपना काम करते रहा प्रैक्टिस कीपिंग बस यू टेल मी रिद्धि आपने अलग अलग टीम में अलग अलग घाट का पानी पिया है इस घाट के पानी में क्या फ़र्क है फ्रीनेस मतलब इतना फ्री मतलब बाकी जो फ्रेंचाइजी में इवन सबसे अच्छा अगर बोलूँगा तो जितना खेला मतलब चेन्नई और जीटी hmm. अच्छा मतलब टॉप टू होगा मेरे लिए yeah. जितने फ्रेंचाइजी खेला मगर फिर भी इसको मैं आगे रखूँगा जी को क्योंकि मतलब जो मैनेजमेंट वाले है या कोचेज है या सपोर्ट स्टाफ है या प्लेयर्स है या जो नेट बॉलर्स भी हैं सारे ऐसा कोई फील कराता नहीं है कि वो भी टीम के बाहर या मैं अलग हूँ मैं इधर से आता हूँ कि वो साउथ से आता है या बाहर से आता है एक्चुअली ये काफी लोगों ने कंपैरिजन करी है जो हाँ। एक चेन्नई का माहौल है और एक गुजरात का माहौल है और ये जो फ्रीनेस और ओपननेस आपने बात करी है ये कितना इम्पोर्टेंट होता है एक प्लेयर के लिए क्योंकि आप सब प्रोफेशनल प्लेयर हो ये नहीं कि मतलब यू you नो know, क्योंकि सोफे से उठ के आए हो क्योंकि चेन्नई में मैं जब था मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही था उधर स्टीफन फ्लेमिंग जो कोचिंग स्टाफ था या माही भाई माहिबाई बोलता था कि तू बचपन से जैसे खेल के इधर तक आया है यही खेल मैच में जाके खेलना है ऐसे नहीं कि इधर आके कुछ दूसरा कुछ करना है जो अभी सीख के आया है जैसे तुझे पता है वैसे डिलीवर करना है wow. तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए कि ये बॉलर के साथ एक्स्ट्रा कुछ जो तेरा शॉट है जो तेरा उस टाइम में जो अच्छा लग रहा है कि ये पॉसिबल है उसको बिलीव कर और करने की कोशिश कर तो वो, वो सेम चीज़ उसके बाद से जब भी कोई फ्रेंचाइजी में खेला या इंडिया टीम में खेला या जी टी में खेल रहा हूँ

बट क्योंकि पर्सनैलिटी बताता था तो फिर बहुत ईजी होता भी, अगर मुझे पता ही ना होता तो फिर शायद जाके हम बात करते कि कैसा करना है या कैसे या। नहीं करना है। और पता, कर... पता, तो तो तो, पता पिछले साल मैं स्ट्राइक, बीच बीच में ये मुझे याद नहीं है इस साल तो जैसे बोलती आप स्ट्राइक लेना पहले क्योंकि मतलब मेरा मिक्स स्ट्राइक लेने में मिक्स होता कभी, कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि पहली बॉल पे जाके ना मुझे चौका छक्का मारना था लेकिन जिसको मैं पिछले साल एल के साथ एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग हुआ मेरा मैं उनके साथ चार मैच खेला मेरी दो जीरो में और दो मैन ऑफ द मैच दोनों बार पहली पहली दूसरी दूसरी बॉल पे आउट हुआ हूँ और या तो नॉट आउट रहा हूँ या जीरो पे इसको <laughs> इसको कहते हैं कभी शतक कभी बतक <laughs> <laughs> सीधा ऊपर नहीं तो शुरू ही नहीं किया यू लाइक like इस, इस बार जैसे मुझे नॉन स्ट्राइकर में या स्ट्राइकर में जैसे खेलने का सुमन को देख के ऐसा लगता है कि इस बार लास्ट डेट जैसा उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट yeah. कि मैं रहूंगा तो कर दूंगा hmm. तो वो पूरा टीम का बिलीव है कि एक बंदा है जो लंबा खेल खेलेगा ही खेलेगा yeah. तो सबका बिलीव है और साथ में जो मैं जैसे शुरू में कोशिश करता हूँ पैरा छ ओवर में कुछ कुछ दिन होता है कुछ कुछ नहीं होता है uh -huh. होता है तो अच्छा ही होता है yeah. तो उसके बाद हार्दिक आता है विजय आता है तो हम सारे खुल के खेल पाते हैं क्योंकि yeah. एक साइड से पता है कि शुभमन है yeah. मैं वैसे जब दादा खेलते हैं पावर प्ले पावर प्ले तक तो मेरा तो मैं तो छह सात बॉल छत बॉल ही <laughs> पच्चीस <laughs> <laughs> अगर जगह से छक्का नहीं चाहिए बीस पच्चीस बॉल खेल दिया शुभमन सुबह दस बारह बॉल मैक्सिमम उस दस बारह में वो क्योंकि लास्ट ओवर में पांच बॉल खेला हुआ मुझे ये आखिरी हो रहा है पावर प्ले का इधर मुझे मारने पारे आप नहीं आ रहे इस <laughs> <laughs> मैं ही फाइनल <विदर> <laughs> की बात करते हैं लास्ट द फाइनल यू मेड मेरी टू द फाइनल इट वॉज योर फर्स्ट फाइनल सेकेंड एनर ओ से क्या सी एस के

मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं दिमाग में बट मेन चीज क्या होती है कि मुझे कैसे रन करने है yeah. और किसको कैसे रन करने बस फाइनल yeah. हो नॉर्मल मैच हो कोई भी मैच हो यही चीज होती है कि मुझे किसके अगेंस्ट कैसे रन करने हैं क्या सिचुएशन है प्रेशर सवा लाख लोग शोर शराबा लाइटी सब इट इट आई थिंक मुझे लगता है जब ओपनर को जब एक बंदा जाता है। आ, और एक आप जब कैसा आने वाला है हाँ, अप्रोच करेंगे? हाँ, और इस, इस बारे में? क्योंकि मैंने नीचे भी पहले दो साल तो क्रियर के, के लिए नंबर सेवन बैटिंग किया

कि फाइनल खेल रहा हो दूसरा मैच है और मतलब एज ए टीम के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि वन थर्टी सिक्स शायद वो तो लोग खेले हाँ। था तो ये तो हम लोग पंद्रह ओवर में शायद कर देंगे yeah. तो इतना बिलीव था टीम के ऊपर nice. Yeah. तो वैसे कुछ डिफरेंट थॉट्स आया नहीं जाके hmm. सिर्फ एक्सप्रेस करना है yeah. और टीम तो है ही कर ही देगा और जब ट्रॉफी उठाई राइट फर्स्ट ट्रॉफी हाउ डिड दैट मोमेंट फील

एक्सटेसी होगी कि चलो कंप्लीट हो गई मोमेंट यार हाँ मोमेंट नहीं तो लगता है कि यार इनकम्प्लीट सर या। आपने इतनी मेहनत की या फिर अगर फाइनल हार जाते तो इनकम्प्लीट लगता या। बट वो जो एक जर्नी है जो मेमोरीज है जो ट्रॉफी जीतने के बाद आपको लगता है कि हाँ उफ, कि सब कुछ सही था yeah. सब कुछ सही हो गया बॉडी वेट चार पांच किलो कम हो गया हाँ, कि सब, <laughs> सब कुछ अब अब लगता है कि जैसे फर्क नहीं पड़ता कल हो या ना हो yeah.

हाँ। दोनों मिलके पांच छक्का मार दिया तो वो दो मैच मतलब कभी भी भूल नहीं सकते ऐसा लास्ट अर्श ने आके और रवाड़ा ने आके अच्छा बहुत अच्छी हाँ, हाँ।, हाँ बहुत अच्छी बोलिंग की फिर जब दो बॉल बारह रह गए तो लगा कि यार चलो एक दो मैच था कि चलो एक जीत गए खास यही होता है वो जीत गए ठीक है फिर सी के अगेंस्ट मैच था पचास पे पांच छे थे एक सौ सत्तर जिसमें मिलर ने चला चलो ठीक है तीन जीते हैं वो भी, आ, है। वो भी <laughs> फिर कि हम लोग मैच आया चलो कोई बात नहीं पांच जीत <laughs> एक लास्ट ओवर तक गया हर मैच वाला चलो ठीक है कोई बात नहीं इतने जीते हैं जो सोच रहे हैं वही वही जीते जा रहे हैं मतलब कुछ भी जीते जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है और फिर सीसीआई का मैच है हाँ और फिर सीसीआई ये, ये तो जीत तो के वो वाला आ गया बट बिकॉज वो वाले हम जैसे टी ट्वेंटी में कभी कभी <laughs> आप टीम की परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते हो बिकॉज क्योंकि मार्जिन बहुत कम है yeah. एरर का जो है

ठीक है तो उससे आपको लगता है दूसरी टीम एक बॉल है और कितनी खुश है और उसमें मार्जिन कितना कम है yeah. तो आप उसमें क्या जज कर सकते हो मतलब हाउट ऑफ द कोचिज हु डू यू हैव दू डू टॉक टू द मोस्ट हु क्लोजेस्ट रिलेशनशिप कि से अलग अलग लोगों से अलग अलग, -अलग बातें होती हैं तो आशुभा जी के साथ सबसे ज़्यादा <laughs> बात होती है आ, uh, उनके अलावा गैरी से yeah. क्योंकि गैरी इज सो एक्सपीरियंस्ड इन टर्म्स ऑफ वो जो सवाल पूछता है इट्स सो एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ कि कभी कभी आप पोस्टवाल खुद से पूछना भूल जाते हो फॉर एग्जाम्पल वो पूछता है हाउ डू यू सी योर सेल्फ इंप्रूविंग दिस ईयर अब सबको पता है इंप्रूव करना है। हम जनरली क्या सोचते हैं इंप्रूव क्या करना प्रैक्टिस करेंगे अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा स्पेसिफिक टारगेटेड टारगेटेड गोल तेरे हिसाब से तेरा गोल क्या है इसका हाउ डू यू प्लान ऑन अचीविंग हाउ डू यू प्लान ऑन वो जो गोल को अचीव करने के लिए जो प्रोसेस है वो कैसे करना चाहता है तो hmm. तो जैसे बहुत स्पेसिफिक बहुत टारगेटेड सवाल होते हैं उसके मतलब बहुत मजा आता है जब वो और वो ऐसे मैसेज करेगा आपको इतना लंबा सा एक मैसेज करेगा हाय शुभ hmm. uh, ये वो हाउ इट बेन ये वो योर फॉर एग्जांपल योर लास्ट इनिंग वाज गुड आई फेल दिस इज दिस डू यू फील आई नो दिस दिस हैपन दिस इज वॉट आई फेल फ्रॉम आउटसाइड फिर वो बुलाएगा अच्छा अच्छा चल बात करते हैं yeah. तो ऐसे बहुत लाइक uh, ऐसा like बहुत स्पेसिफिक बहुत टारगेटेड yeah. और बहुत प्रिसाइज नाइस nice. कप्तान की बात करते हैं बिफोर वी एंड कैप्टन हार्डी बॉय हार्डी बॉय व्हेन यू न्यू ही इज कैप्टन फॉर द फर्स्ट टाइम यू नोन हिम फ्रॉम बिफोर यू नोन हिम फ्रॉम बिफोर आई थिंक इन जनरल एवरीबॉडी वाज नोबडी एक्सपेक्टेड दैट यू नो हार्दिक वाज आई डोंट हार्दिक टोल्ड अस ही डिडंट एक्सपेक्ट टू बिकम अ कैप्टन ऑफ वन ऑफ द टू न्यू टीम्स That he was keen to go to lucknow and play under kl so he told us this also in the podcast when you heard that hardik was going to captain uh, what was your reaction because you would have known before the auction if i had to tell you what were the first three words that came hmm. in my mind was fun exciting interesting yeah <laughs> <laughs> गुड वर्ड्स ये पहले तीन वर्ड मेरे दिमाग में आए थे एंड आई जस्ट थॉट इट वुड बी फन टू प्ले अंडर हिम बिकॉज ही सच अ ही सच अ पर्सनैलिटी हिमसेल्फ कि यू वुड हैव फ्रीडम इन एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ हाउ यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ बिकॉज ही इज ऑलवेज हिमसेल्फ राइट सो ही वुड एज अ लीडर आई एक्सपेक्टेड ही वुड गिव द फ्रीडम टू द प्लेयर्स टू बी दमसेल्व एंड ही इज डन दैट एवरी डे एब्सोल्युटली या

पहले दो तीन मैच ही कि मुझे नहीं पता लग रहा था टू बी एबल टू एक्सेप्ट दैट एंड जस्ट नो दैट देर इज समूज कंट्रोलिंग आई एम लर्निंग आई एम दीडर ऑफ दिसम आई शुड बीडिंग बट उसी में उनका बहुत एक फन तरीका है बोलने का कि हाँ यार यार चल रही थी गेम मैं भी जैसे चल रही थी वैसे कर रहा था बट वो चीजें वो उसको समझना और उसको एक्सेप्ट करना ग्रेट करनाटी है और वो दिख रहा था मुझे कि वो ही स्कीन टू लर्न हाउ यू नो इट या एंड दैट अफेक्टेड वेन आई प्लेड अंडर एम एन

उसका इवेन नेचर वाइज बोलना चाहूँगा या गेम का जो स्टाइल था इधर आने के बाद टोटली चेंज मतलब एज ए इंसान भी मैंने बहुत डिफरेंट देखा इवन जो इंडिया टीम में जब भी था या मुंबई में और इस बार मतलब इधर आने के बाद मतलब पेज का ये साइड वो साइड मुझे लगा कि इतना काम इतना मतलब सबसे घुल मिल के बात करना और ऐसे नहीं कि जो नया है उसके साथ बात नहीं करना सबके साथ एकदम क्लोज जाके हाथ वाथ मिला के तो आ, ये मैं एक्सपेक्ट किया नहीं था yeah. हार्दिक को ऐसे देखूंगा मगर देखने में बहुत अच्छा फील हुआ और साथ में जैसे टीम को हमेशा वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट देने का कोशिश करता है बाद भी वैसे ही करता है कि हमेशा बिलीव दिलाते रहता है कि एक दो मैच हुआ तो ठीक है मगर अपना जो पोटेंशियल है देते रहो yeah. बाद में देख मैं देख लूँगा तो ये सारे चीज जो मुझे अच्छा लगा है तो साथ में आशीष भाई तो है आशीष भाई साथ में पहले भी खेला हो

<laughs> how do you see their relationship from uh, outside what is what can other coach captain equations learn from from them I think uh, Hardik bhai has learned uh, a lot from firstly Ashupaji and then their uh, ideals or processes aligned mm. in way the team yeah so, because they aligned and now they have the same vision, that is the reason why I think this team is doing mm, so nice. well. Him, uh, Hardik Bhai, Ashubhaji, Gaza, their visions and their processes, and how they think that a team should be run, or how they think how players should practice, or how players should be there in their off time. It yeah.

पांच लोग में देखो कभी हो जाए दस में हो जाए पच्चीस में और फिर ऊपर से पंद्रह भी सपोर्ट स्टाफ सो मेनी पीपल टू अलाइन इट्स क्वाइट ये वो होता है ना कि जैसे अभी छह लोग हैं उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा पॉजिटिव है जो भी उस उधर आ रहा है जो जुड़ता द... गया हाँ. hmm. nice. वो साथ बनता गया आई लाइक दैट चलो सम क्विक क्वेश्चन बिफोर वी रैप रैपअप एज ओपनिंग बैटर्स द मोस्ट चैलेंजिंग बोलर टू फेस

एक आर्चर को खेल के yeah. दोनों साल खेला नहीं हूँ बट उसको खेल के मैं खेला नहीं आर्चर को yeah. मुझे बहुत मजा आता है और दूसरा अर्शदीप hmm. क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है या ही इज ऑन यू एंड आई लाइक पीपल हु आर एंड इवन दो यू प्लेड हिम सो मच या नाइस अच्छा होता है ऐसे बैटल आते हैं तो मजा आता है थोड़ा एक्सेलेंट बॉयज थैंक यू सो मच थैंक यू uh, जैसी फील्ड पे पार्टनरशिप थी वैसी पॉडकास्ट में भी पार्टनरशिप दिखी मेरे को बिल्कुल सेम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया चिल रिलैक्स बिल्कुल चिल रिलैक्स दोनों ऐसे ही दोनों ने uh, मन की बात no. <laughs> 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 <No>. <laughs> <laughs> नो नो दोनों ने मन से बात करी थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट फॉर जीटी आई होप द टीम कीप्स डूइंग वेल एंड कीप्स गिविंग ऑल द जॉय टू ऑल द फैंस सो थैंक यू सो मच टू रिदिमान शाह टू शुभमन गिल यू आर वॉचिंग and listening to GK Beats Cheating.